हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल सुनीताज क्रिएटिव वर्ल्ड में। और आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ पेपर लोटस मेकिंग आइडिया, जिसे आप इस गणेश चतुर्थी में बना सकते हैं और अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, डेकोरेशन रेडी करने के लिए हमें चाहिए कार्डबोर्ड, ग्रीन एंड पिंक कलर के चार्ट पेपर, फेविकॉल, सीजर, स्केल एंड कलर पेंसिल या पेन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें पिंक एंड ग्रीन चार्ट पेपर को 18x14 सेंटीमीटर में कट कर लेना है। यहाँ मैंने टोटल ईच कलर के 11 पीस कट किए और इस तरह से आपको फोल्ड करके ऐसे कट कर लेना है लीफ शेप में। सो इसी तरह हम बाकी के बचे हुए पेपर को भी कट कर लेंगे। सो यहाँ पे मैंने दोनों पेपर्स को इसी शेप में कट कर लिया है और अब आपको इस पेपर को पेंसिल या पेन की हेल्प से इस तरह से फोल्ड करना है। इसी तरह आपको बाकी के पेटल्स को भी फोल्ड करना है पेंसिल या पेन की हेल्प से। सो अब मेरे सारे पेटल्स फोल्ड हो गए हैं और इसे हम रखेंगे साइड में और अब छोटे वाले पेटल्स हम कट करेंगे। सो यहाँ पे मैंने 16x12, 12x9 एंड 11x8 सेंटीमीटर के पिंक चार्ट पेपर कट कर लिए हैं और ये ईच साइज की क्वांटिटी है 11। सो टोटल यहाँ पे मेरे पास में 33 पीसेस हैं। सो इस तरह से इसे बीच में से फोल्ड करके आपको कट करना है और इस तरह से मोड़ के एक दूसरे के ऊपर स्टिक कर लेना है। सो फ्रेंड्स, इसी तरह हम बाकी के सारे पेटल्स को फोल्ड कर देंगे। सो यहाँ पे मैंने सारे पेटल्स को फोल्ड कर दिया है सेम शेप में। सो फ्रेंड्स, अब हमें लेना है कार्डबोर्ड और यहाँ पे मैंने प्लेट की हेड से 30 सेंटीमीटर का राउंड कट कर लिया है। आप भी इसी तरह कट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारा 30 सेंटीमीटर का राउंड कट हो गया है और आपको एक अब डब्बा लेना है जिसके ऊपर इस कार्डबोर्ड को रख देना है, जिससे इसे हाइट मिल जाएगी। और अब आपको एक एक करके सारे ग्रीन पेटल्स को इस तरह से स्टिक कर लेना है फेविकॉल की हेल्प से। और आपको ध्यान रखना है कि पेटल का फोल्ड आपका अपोजिट साइड में होना चाहिए, यू नो, डाउन साइड में। सो इस तरह सारे पेटल्स को आपको स्टिक कर लेना है और उसके बाद में इसी तरह आपको पिंक पेटल्स को भी स्टिक कर लेना है फेविकॉल की हेल्प पे। और आपको इस वक्त पे ध्यान रखना है कि दो ग्रीन पेटल्स के बीच में आपका पिंक पेटल स्टिक होना चाहिए। एग्जैक्टली। सो इस तरह से मैंने पिंक एंड ग्रीन पेटल्स को स्टिक कर लिया है और अब फोल्डेड वाले पिंक पेटल्स को हम इस तरह से ऊपर की साइड में लगाएंगे। इस समय इसका फ्लो ऊपर की साइड में होना चाहिए। सो इसी तरह हम तीनों साइजेस के पेटल्स को 1x1 राउंड में लगा देंगे। सो आपको इसे लगाने के लिए फेविकॉल का ही इस्तेमाल करना है। एंड फ्रेंड्स, डेकोरेशन बनाने के लिए जो भी पेपर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, ये सारे पेपर्स आपको बहुत ही इजीली किसी भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएंगे। साथ ही मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक भी दे दूंगी। सो फ्रेंड्स, अब हम सेंटर में स्टिक करेंगे इस तरह का गोल्डन पेपर। अगर आपके पास में गोल्डन पेपर ना हो तो आप पिंक चार्ट पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हमारा लोटस बिल्कुल रेडी हो गया है और आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और इसके सेंटर में आप गणेश जी को बिठा सकते हैं और आप गणेश जी की मूर्ति के अकॉर्डिंग इस फ्लावर को बड़ा छोटा कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।